आई गेव माई हिंदी बोर्ड एग्जाम्स विदाउट एनी प्रिपरेशन। अगर मैं ये वाक्य बोलता हूँ तो फिर इसमें कुछ दोहराई की बात नहीं होगी, क्योंकि पूरे के पूरे साल मैंने हिंदी पर कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। एंड दिस वीडियो विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू ब्रिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स इन हिंदी, क्योंकि नो मैटर आप कितने भी वीक हो, आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड बिलीव मी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा एंड स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 86 out of 100 इन माई हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, जो आपका हिंदी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज लिटरेचर, सेकेंड इज ग्रामर। जो लिटरेचर पार्ट है आपका हिंदी का, वो आपको कैसे करना है, यूट्यूब में जितने भी लाइक वन शॉट वगैरह है वो आपको देख लेने हैं फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी पोयम। जब आप इतना काम कर लेते हो, दैट मीन्स आपका चैप्टर की जो समरी होती है या फिर आपका जो जिस्ट होता है वो आपका अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया। मतलब आप अगर 3 मार्क का आंसर होगा, आपको कम से कम 2 से 2.5 मार्क तो आ जाएंगे उसमें। बट अभी बात आती है परफेक्शन की, तो परफेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मेरे टाइम पर बुक थी साहित्य सागर करके, विच इज़ बेसिकली द वर्कबुक ऑफ हिंदी। तो आपके टाइम पर भी जो भी वर्कबुक हो हिंदी की, आपके स्कूल ने जो भी वर्कबुक दी हो हिंदी की, आप वो वर्कबुक की जितनी भी थियोरी लिखी हुई है, थियोरी मीन्स जितना भी उनका कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या फिर जितना भी उनका समरी दिया हुआ है, राइट, आप वो सारी की सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार नहीं 10 बार गो थ्रू कर लेना। क्योंकि अगर आपने वो सारी की सारी चीज़ें 10 बार गो थ्रू कर ली, तो फिर आपका लिटरेचर टॉप क्लास तरीके से फिनिश हो जाएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप देख लेना, सारी की सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके वर्कबुक में ऑलरेडी प्रिंटेड है। मैं आपको वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको वर्कबुक की जितनी भी थियरी है सिर्फ वो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ओके? तो वर्कबुक की अगर आपने थियरी पढ़ ली और यूट्यूब से हर एक चैप्टर के वन शॉट देख लिए, देन यू आर गुड टू गो फॉर योर एंटायर लिटरेचर। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, और जो भी बाहर आता है आप अपनी थोड़ी बहुत बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ भी आप पेपर में लिखकर आ जाना, कुछ भी स्टोरी वगैरह खुद से बना लेना, अगर ना नाम याद आया कुछ भी तो फिर, बट कुछ भी हो पेपर में कुछ भी लिखकर आ जाना अगर इससे बाहर कुछ कंटेंट आया तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। अब ग्रामर में क्या होता है, जो आपका रियल व्याकरण होता है, जो रियल ग्रामर होता है, जिसे मैं बोलता हूँ कोर ग्रामर। कोर ग्रामर इज यू नो आपका वो विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। इसमें क्या करना होता है आपको, देखो अब पर्यायवाची शब्द 500 दिए है आपके बुक में, मैंने अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक पूरे के पूरे 10th क्लास में खोली भी नहीं थी, पढ़ना तो दूर की बात, मैंने अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक खोली भी नहीं थी, बट स्टिल ग्रामर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जो भी आपका कोर ग्रामर रहता है, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, जितने भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे वो 8 मार्क के MCQ बनते हैं, वो आपको पढ़ने की अलग से कुछ भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। अगर टाइम की बहुत, क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव सफिशेंट टाइम फॉर इट एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु लव्स टू स्टडी हिंदी, तो फिर आप पढ़ो। बट अगर आप वैसे नहीं हो तो फिर ध्यान से सुनो क्या करना है। पहली बात, वो सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको मालूम हो तो ठीक, अगर आपको नहीं मालूम हो तो फिर वो आपको नहीं आएगी, वो आपसे रॉन्ग ही होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहली बात एक चीज़ दिमाग में घुसानी होगी कि वो जो 8 मार्क है, आप ऐसा मान के चलो कि 8 मार्क में से 4 मार्क के क्वेश्चन तो ईजी आने वाला है। और अब देख लेना, कोई भी साल की PYQ के, हिंदी के व्याकरण के, जो 8 मार्क का MCQ रहता है उनमें से 4 तो ऐसे होते हैं कि अगर आप पढ़े वगैरह भी जाओ तो फिर आपको आ जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल होता है। जो बाकी के 4 मार्क है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का आते हैं जिन्होंने पूरा साल व्याकरण पढ़ा होता है, उस पर आप फोकस ना दो। उसके बजाय किस चीज़ पर फोकस दो, उसके बजाय जो चीज़ पर आपको फोकस देना चाहिए, दैट इज़ योर एसे राइटिंग। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, द ओनली रीज़न आई वॉज एबल टू स्कोर 86 विदाउट स्टडिंग एनीथिंग वॉज बिकॉज आई रोट गुड एसेज।
अब क्या होता है, जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करने बैठता है और सबसे पहले आपने सुंदर सा ऐसे लिख दिया होता है, तो एग्जामिनर का माइंड ये सोचता है कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, ओके? तो फिर आपका एम यही होना चाहिए कि पूरे साल में आप ऐसे एसेज लिख पाओ हिंदी में कि एग्जामिनर देख के ही चौंक जाए। आप सिंपल सा एक काम करो, 20 शब्द आपके पास होने चाहिए, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, 20 शब्द आपके पास हिंदी में ऐसे होने चाहिए कि जिसका आप इस्तेमाल करो अपने ऐसे में, तो फिर वो इम्प्रेसिव हो। 20 हार्ड वर्ड्स, यू नो, अद्भुत वगैरह लिख दो, लाइक एकदम हार्ड वर्ड्स लिख दो, जैसे कि हमारे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना वोकेबुलरी हार्ड वर्ड्स, वैसे ही आप हिंदी में अपनी वोकेबुलरी स्ट्रांग कर दो, हार्ड वर्ड्स 20 रट लो, लाइक कुछ भी कंटेक्स्ट ही हो सकते हैं, बट 20 हार्ड वर्ड आपको याद होने चाहिए और 20 में से कम 10 हार्ड वर्ड अपने ऐसे में उतारना है। दैट इज़ योर फर्स्ट जॉब। द सेकंड जॉब विच यू नीड टू डू इज़ अंडरलाइन एवरी सिंगल कीवर्ड। देखो हिंदी के पेपर में मैंने हर एक कीवर्ड को अंडरलाइन किया था, इस वजह से आई बिलीव दैट मुझे इतने मार्क्स है, अगर मैं वो अंडरलाइन नहीं करता था तो फिर मुझे मार्क्स नहीं मिलते थे। और मुझे अपने सीनियर्स के द्वारा भी मालूम पड़ा था दैट हिंदी के पेपर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड डू इज़ टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। सो आप जो भी आंसर लिख रहे हो ग्रामर में कि लिटरेचर में, अंडरलाइन करो, इससे मार्क्स आपके बहुत 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 इंक्रीज होंगे, ओके? अब ये व्याकरण के लिए बात हो गई, लिटरेचर के लिए बात हो गई, बाकी हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लेटर वगैरह का फॉर्मेट याद कर लो, और लेटर में हमेशा फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट मारना होता है, इनफॉर्मल कभी मत अटेम्प्ट मारना। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके अगर कटेंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर में ही कटेंगे, फॉर्मल लेटर में मार्क्स नहीं कटते। आप एक बार उसका फॉर्मेट रट के चले जाओ, एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। दैट वॉज ऑल फॉर हिंदी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिंदी में तो यार व्याकरण में तो आप अपने एसेज पर ध्यान दो, लेटर राइटिंग पर ध्यान दो, एंड साहित्य के लिए तो जो मैंने ट्रिक्स बोल दी आगे वो आप यूज़ कर लेना, एंड आपको आराम से 90 तो आ जाएंगे। देखो मैंने हिंदी की तो कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी और आपके पास तो ये वीडियो 6 महीने पहले आ गया है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स से, तो आप समझ जाओ कि इस वीडियो के द्वारा आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। डन। ऐसे ही मैंने हर एक वीडियो की चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी प्लस नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर दे दी है, यू कैन वॉच देम टू। ओके, बाय बाय।